गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज जो हम प्लांट मॉर्फोलॉजी चल रहे थे उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है इनफ्लोरिसेंस। ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनफ्लोरिसेंस या आप कह सकते हो कि फैमिली, ये बहुत एक दूसरे से, जब तक आप मॉर्फोलॉजी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ लेते हैं तो फैमिली पढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हर एक कहते हैं कि टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पढ़िए, उसके बाद फ्रूट पढ़िए और उसके बाद तब आप फैमिली पढ़िए, तो बहुत फैमिली तब आपको बहुत ईजी और बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो इनफ्लोरिसेंस अपने आप में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत सारे आपके कंपटीशन से क्वेश्चन है या कि यू पीसीएस वगैरह लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले भी हमारा एक मॉर्फोलॉजी का जो है मैंने लेक्चर डाला था, ये हमारा इनफ्लोरिसेंस का लेक्चर फर्स्ट है। क्या है ये लेक्चर फर्स्ट, क्योंकि इसके भी कई दो तीन लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्या बोलते हैं इनफ्लोरिसेंस और टाइप ऑफ इनफ्लोरिसेंस के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रेसिमोज और साइमोज के बारे में पूरा डिटेल से भी हम बताते हैं कैसे कैसे स्टडी करेंगे, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन स्टॉक आर कॉल्ड इनफ्लोरिसेंस, ठीक है। स्टॉक के ऊपर, स्टॉक मतलब जहाँ पे फ्लावर लगा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने देखिए लगाया है, बना रखा है कि ये स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक मतलब जहाँ पे फ्लावर लगे रहते हैं उनको हम लोग स्टॉक करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे फ्लावर रहता है, तो जब फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है या अटैचमेंट स्टॉक के ऊपर कैसा है, उसके बेस पर हम लोग या उस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनफ्लोरिसेंस कहते हैं, ठीक है। स्टॉक, अब स्टॉक ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड पेडिंग पेडेंकिल और स्टॉक ऑफ सिंगल फ्लावर आर कॉल्ड पेडिसिल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई ये आपकी स्टॉक है जहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लावर लगे हुए हैं, जहाँ पे बहुत एक, जैसे आपने प्लांट के देखा होगा तो जो स्टेम वाली होती है उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर अल्टरनेट मैनर में लगे रहते हैं, ठीक है। उन अल्टरनेट मैनर में जहाँ पे फ्लावर लगे रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेडेंकिल बोलते हैं, पेडेंकिल बोलते हैं, ठीक है। और जब एक सिंगल फ्लावर, सिंगल फ्लावर जिस स्टॉक से जुड़ा होता है उसको हम लोग पेडिसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेडिसिल बोलते हैं, ये पेडिसिल, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्लावर जब किसी भी स्टॉक पे लगा होता है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ फ्लावर है तो उसको हम लोग पेडेंकिल बोलते हैं, और अगर एक सिंगल फ्लावर जिस स्टॉक से लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्टॉक, ये स्टॉक, ये सिंगल फ्लावर का स्टॉक, इसको पेडिसिल कहते हैं। और जहाँ पर फ्लावर जो होता है एक ग्रुप में लगे रहते उस जिस स्टॉक से लगे रहते उसको पेडेंकिल बोलते हैं, ठीक है। एक पेडिसिल, एक पेडेंकिल, ठीक है। इसको बहुत टर्मिनोलॉजी को दिमाग में रखिएगा। फ्लावर में भी टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पेडिसिल, पेडिसिल के बेस पे फ्लावर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है पेडिसिलेट, पेडिसिलेट फ्लावर और सेसाइल फ्लावर। कहने का मतलब है कि वो फ्लावर जिसमें पेडिसिल जो होता है प्रेजेंट होता है, और ऐसा फ्लावर जिसमें पेडिसिल एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसे रहा ये, जैसे यही है, मैं इसी को जैसे ये यहाँ पे बता रही हूँ, ये रहा, यहाँ पे पेडिसिल प्रेजेंट है तो ये ऐसे होगा, और ये आपका सपोज है ये फ्लावर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या है आपका, पेडिसिल है। तो पेडिसिल प्रेजेंट, ऐसे फ्लावर जिसमें पेडिसिल प्रेजेंट होता है उसको पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, और ऐसा फ्लावर जिसमें पेडिसिल ना प्रेजेंट हो, ये क्या है, ये पेडेंकिल है, ये क्या है, ये पेडेंकिल है, क्लियर, ठीक है। ऐसे फ्लावर जिसमें पेडेंकिल तो हो
बट पेडिसिल ना हो, तो वो फ्लावर ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो, ये देखिए इसमें पेडंकल प्रेजेंट है बट पेडिसिल एब्सेंट है, तो ऐसे फ्लावर को सेसाइल फ्लावर कहते हैं, और ऐसे फ्लावर जिसमें पेडिकल प्रेजेंट होते हैं उनको पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन था इनफ्लोरिसेंस का। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ इनफ्लोरिसेंस में। टाइप ऑफ इनफ्लोरिसेंस, ठीक है, मतलब फूल के लगने के प्रोसेस को ही, अरेंजमेंट को ही हम लोग इनफ्लोरिसेंस कहते हैं। तो उस बेस पे इनफ्लोरिसेंस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेसिमोस या इनडिफिनिट, ठीक, और एक होता है साइमोस और डिफिनिट। इसमें जो पेडेंकिल होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो अनिश्चित होती है, इनडिफिनिट मतलब कोई निश्चित नहीं है, वो लाइफ टाइम ग्रो करती रहती है। किसकी? फ्लावर की। जो पेडेंकिल है जिसपे ग्रुप ऑफ फ्लावर लगे होते हैं वो लाइफ टाइम ग्रो करती है। ठीक, तो मैंने यहाँ लिखा है मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, ये हमेशा कंटिन्यू ग्रो करती है, डज नॉट टर्मिनेट एट द फ्लावर। कहने का सेंस है कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे ये है, ये पेडेंकिल है और पेडेंकिल पे जो फ्लावर लगा रहता है तो इसका ये क्या एक्सिस है, मेन एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फ्लावर लगा हुआ है, जैसे ये लीजिए, ये रहा सपोज इट, ये फ्लावर तो लगे हुए हैं। ठीक है, फ्लावर तो लगे हुए हैं लेकिन क्या लगे हुए हैं, मेन एक्सिस पे फ्लावर नहीं लगा होता है। ठीक, और दूसरा इसने बता रखा है, मैं इसको यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा एक मिनट मैं थोड़ा इसको अच्छे से आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये रहा, ठीक है, ये तो पेडेंकिल है। ठीक है, पेडेंकिल के मेन, ये आपका मेन एक्सिस है। ठीक है, मेन एक्सिस पे क्या होता है, फ्लावर नहीं लगता है, और फ्लावर ना लगने की वजह से ये लाइफ टाइम क्या करता है, ग्रो करता है। और यहाँ से क्या होता है, आप देखेंगे ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लावर लगे होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक, तो कहाँ है कि मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, ये हमेशा कंटिन्यू ग्रो करती, क्यों? क्योंकि इस पर फ्लावर नहीं लगे होते हैं, और डेट इज डज नॉट टर्मिनेट इंटू द फ्लावर। यहाँ फ्लावरिंग हो जाएगी तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, चेक हो जाएगी। फ्लावर बॉर्न लेटरली, ये लेटरल साइड में जो फ्लावर होते हैं वो लेटरल साइड में होते हैं। ठीक है, ऐसे, और सेंट्रिपिटल, एक्रोपिटल और सेंट्रिपिटल मैनर। देखिए, सेंट्रिपिटल मैनर जब हम इनफ्लोरिसेंस पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन एक्रोपिटल का मतलब होता है कि जो आपका क्या कहते हैं, फ्लावर होता है वो इस मैनर में रहता है। देखिए, यंग जो फ्लावर होता है, यहाँ पे लिखें, यंग फ्लावर जो होता है वो एक्सिस पे होता है। कहाँ पे होता है? यंग फ्लावर जो होता है, एक्रोपिटल यंग फ्लावर एक्सिस पे, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 3 and 4 समझ रहे हैं, यानी कि जो यंग फ्लावर होगा वो ऊपर होगा, उसके बाद उससे नीचे वाला फ्लावर, उसके बाद उसके नीचे वाला, यानी कि मैंने 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। एक्रोपिटल मैनर में क्या होते हैं, फ्लावर लगे होते हैं। एक्रोपिटल का मतलब ये है कि यंग फ्लावर जो है वो एक्सिस पे रहेगा, ठीक, और जो ओल्ड फ्लावर, जो सबसे ओल्ड फ्लावर होगा वो बेस पे होगा। ऐसे मैनर को एक्रोपिटल मैनर कहते हैं, और सेंट्रिपिटल मैनर भी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा है कि मेन एक्सिस टर्मिनल, अब जस्ट इसका अपोजिट है। अब यहाँ पे मैं इसका फिगर बना रही हूँ, ये मेन एक्सिस है, या आप कह सकते हो क्या, ये पेडेंकिल है और ये इसका मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस पे क्या होगा, फ्लावर। जैसे ही फ्लावर लग गया, इसकी ग्रोथ क्या होगी, टर्मिनेट कर गई, और यहाँ से पेडिसिल निकला हुआ है। ठीक है, ये रहा, ये फ्लावर है। ठीक है, इस तरीके से लगा हुआ, और ये हमारा फ्लावर लगे हुए हैं पेडिसिल से। ठीक है, पेडिसिल से बात, फ्लावर लगे हुए हैं, और इस कंडीशन, देखिए यहाँ पे सेसाइल भी हो सकता है कि पेडिसिल ना भी हो।
ठीक है। यहाँ पे एक और ये ऑप्शन होता था कि पेडिसिल ना हो, तो यहाँ पे लग गया, ठीक। और यहाँ पे जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटल होता है। बेसिपिटल का मतलब जो यंग फ्लावर होता है, यहाँ पे यंग फ्लावर क्या होता है, एक्सिस पे होता है इनके केस में, ठीक। और इनका में यंग जो फ्लावर होता है कहाँ होता है, वो बेस पे होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 बेसिपिटल मैनर में होता है, यानी कि यंग जो होता है वो बेस पे होगा, ओल्ड जो होगा वो ऊपर होगा, एक्सिस पे होगा, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे। अब मान लीजिए कि अगर वो सेसाइल फ्लावर है तो सेसाइल फ्लावर होगा तो उसका ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, फ्लावर सेम यही रहेगा, लेकिन केवल पेडिसिल जो होती उसमें नहीं होगी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये 1, 2 ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, क्लियर। अब आइए, अब यहाँ पे हमने ये रेसिम को जो है, मैंने ये फर्स्ट था और ये हमारा सेकेंड था, ठीक है। इसको हम फर्स्ट को लेके चलेंगे रेसिम का, यहाँ पे हम क्लासिक, क्योंकि रेसिम ही ज़्यादा हमको पढ़ना है, ये तो कुछ स्पेशल टाइप के ही होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बाद में डिस्क्राइब करेंगे, पहले हम लोग रेसिम को करें। रेसिम में भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल रेसिम, एक कंपाउंड रेसिम। अब देखिए, जो सिंपल रेसिम उसको कहते हैं जिसमें कि अब ब्रांचेस नहीं होती हैं, नो ब्रांच, इसमें ब्रांचेस नहीं होती। जस्ट लाइक अगर ये पेडिंकल है ये आपका फ्लावर का, ठीक है, तो यहाँ से जो है ये पेडिसिल निकल जाएंगे और फ्लावर इस पर जा करके ये फ्लावर है आपका, ये अरेंज हो जाएगा, तो इसको कहते हैं सिंपल रेसिम, ठीक है। और यदि कंपाउंड रेसिम है तो कंपाउंड रेसिम में क्योंकि ब्रांचिंग हो जाती है किसकी, पेडेंकल की, जैसे ये पेडेंकल है, ये पेडेंकल है तो यहाँ से निकल जाएगा एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, तीन ऐसे ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस में क्या होगा, फ्लावर जो है वो ऐसे लगे रहेंगे, ठीक है, ये फ्लावर जो है ब्रांच पे लगे रहते हैं। कंपाउंड का मतलब है कि ब्रांच इज प्रेजेंट, तो यहाँ पे नो ब्रांच, ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेस के बेस पे सिंपल रेसिम और कंपाउंड रेसिम कहा गया, ठीक। अब सिंपल रेसिम में भी एक हो जाएगा, पेडिसिलेट सेसाइल, पेडिसिलेट सेसाइल, पेडिसिलेट है तो मतलब कि उसमें पेडिसिल नहीं है, सेसाइल है मतलब कि उसमें पेडिसिल है, सेसाइल है मतलब पेडिसिल नहीं है। तो पेडिसिलेट रेसिमोज तीन टाइप के हैं, सिंपल रेसिम, सिंपल कोरियम और सिंपल अम्बल। पेडिसिल इसी तरह से कंपाउंड भी है रेसिम, पेडिसिलेट कंपाउंड रेसिम, सेसाइल कंपाउंड रेसिम रेसिमोज, ठीक, कंपाउंड रेसिम, कंपाउंड कोरियम और कंपाउंड अम्बेन। इसी तरह सेसाइल रेसिम, रेसिम रेसिमोज क्या है, स्पाइक, स्पेडिक्स, कैटकिन और हेड और कैपिटुलम। इसी तरीके से सेसाइल कंपाउंड है आपका स्पाइक एंड स्पाइकलेट, स्पेडिक्स और हेड, ठीक। तो ये एग्जाम्पल। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, हम लोग जब पढ़ेंगे ये क्लासिफिकेशन के बाद या टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस के बाद, तो जैसे कि सिंपल रेसिम के साथ हमारे जो एग्जाम्पल हैं और कंपाउंड रेसिम का जो पेडिसिलेट के एग्जाम्पल है, देखिए ये बिल्कुल सेम है, सिंपल रेसिम कंपाउंड रेसिम, सिंपल कोरियम कंपाउंड कोरियम, सिंपल अम्बल कंपाउंड अम्बल। तो इनका हम लोग कंपेरेटिव स्टडी करेंगे और एक साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी हमारे लिए ये सिंपल होगा और इजी होगा इसको रिमेंबर रखना कि हम कंपेरेटिव पढ़ते हैं, और कंपेरेटिव पढ़ते हैं तो दिमाग में भी रहता है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट हुआ इनफ्लोरिसेंस का, आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है, और इसको जारी रखिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और औरों को शेयर करिए, ठीक है। और जूलॉजी के साथ साथ हम बॉटनी के भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक से हो रही है तो आप हमको कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।